नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मुकेश जानी, मेरी चैनल पे आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी के लिए शुभकामना, शुभेच्छा। भगवान भोलेनाथ सभी की मनोकामना पूरी करें। दोस्तों, जीवन में कभी भी कर्ज ना करें। 100 रुपये का भी कर्ज करना है आपको, 100 बार सोचने के बाद कर्ज करें। एक बार कर्ज के चक्रव्यूह में फंस गए हैं, बाहर निकलना नामुमकिन है। दोस्तों, शौक के लिए दूसरे का कुछ देखकर भूलकर भी कर्ज ना करें। पड़ोसी ने ये चीज़ ली लोन पे, मैं भी ये चीज़ लोन पे ले लूं। दोस्तों, ये गलती कभी ना करें। मैं समझता हूँ मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के नीचे के जो परिवार हैं, उन परिवारों के लिए कर्ज उनकी मजबूरी है। कोई बीमारी आ गई परिवार में, बेटे बेटी की शादी की, कर्ज करना ही पड़ता है। दोस्तों, कहने का मतलब इतना ही है, हो सके उतना आप कर्ज से दूर रहे। 100 बार सोच के 100 रुपये का कर्ज करें। एक 100 रुपये का कर्ज करते हैं, 100 बार सोच के करें, क्योंकि ये 100 रुपये का कर्ज 200 में 2-3 महीने में 200 रुपये हो जाते हैं। 100 रुपये का दोस्तों, कर्ज के चक्रव्यूह में फंस गए हैं, दलदल में बुरी तरह फंस गए हैं। आज एक उपाय शेयर करता हूँ, ये उपाय आप हर मंगलवार के दिन करेंगे और 16 मंगलवार तक कंटिन्यू करेंगे। 16 मंगलवार तक बहने उपाय करती है तो अशुद्धि के दिनों में उपाय करना टाल दे। एक मंगलवार टाल दे, जब पवित्रता नहीं है घर में, तब दूसरे मंगलवार 2 बार उपाय कर ले। वीडियो देखने के बाद दोस्तों, लाइक करें डिसलाइक करें आपकी मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर कमेंट बॉक्स में नम्र निवेदन, छोटी गरज, जय श्री राम आप अवश्य लिखेंगे। बिना जय श्री राम लिखे आप वीडियो छोड़ के नहीं जाएंगे, चैनल छोड़ के नहीं जाएंगे। भगवान श्री राम का नाम आप अवश्य लिखेंगे। मंगलवार के दिन सुबह में एक खास रोटी बनाए, गेहूं के आटे में से एक रोटी बनाए, थोड़ी मोटी बनानी है रोटी, एक ही रोटी बनानी है थोड़ी मोटी। जो दोपहर की रोटी बनाते हैं उनमें से रोटी नहीं निकालनी है। सुबह में उठने के बाद स्नान करके आपको एक एक खास रोटी बनानी है, थोड़ा आटा गेहूं का बना के, ये उपाय के लिए ही खास। उस रोटी के अंदर या तो ऊपर तेल और घी का प्रयोग ना करें। दोस्तों, रोटी बन जाए बाद में अदरक का एक छोटा टुकड़ा ले, अदरक के टुकड़े में से रस निकाले, जितना भी निकलता है रस, आधा चम्मच से कम, 3-4 बूंद जितनी भी रस की निकलती है, पहले अदरक को थोड़ा कूट ले आप। बाद में कोई भी कपड़े में आप पोटली बनाएंगे, दबाएंगे तो 8-10 बूंद रस की निकलेगी। अगर ऐसा है तो थोड़ा 3-4 बूंद पानी डालें, अदरक को कूट के बाद में दबा के निकालें। एक चम्मच में थोड़ा अदरक का रस निकालें। अब उसमें शहद डालें, शहद मध, जो मधुमक्खी ताकती है वो वाला शहद, शहद प्योर होना चाहिए दोस्तों इस प्रयोग में। दोस्तों, वैसे तो आप सभी को मालूम है, मैंने अनेक वीडियोस में एक बात बार बार बोली है कि कुछ खास चीज़ों का कुछ खास दिन पे, कुछ खास जगह पे
दान करने से उनसे जुड़े जो ग्रह है वो ग्रह की वजह से आपके जीवन में समस्याएं आ रही है, परेशानी आ रही है, ऐसे कर्ज के दलदल में फंस जाते हैं, तो वो ग्रह शांत हो जाते हैं और शुभ दृष्टि आपके जीवन के ऊपर अवश्य देते हैं, प्रदान करते हैं। अदरक के रस में 8-10 बूंद शहद मध 8-10 बूंद शहद की डालें, अच्छी तरह से मिला दें। अपनी अनामिका उंगली से अदरक का रस और शहद अच्छी तरह से मिला देना है। अब इस पेस्ट को जो एक रोटी आपने तैयार की है पूरी रोटी के ऊपर उस पेस्ट को लगा देनी है। कोई भी बड़ा नीम का पेड़ आपकी अगल बगल में कहीं सिटी में कहीं भी है, मैं सोमवार के दिन जाके देख ले कोई भी बड़ा नीम का पेड़ कहाँ है, आप प्रयोग करें उनसे पहले एक दिन। बस सुबह सुबह में आप भोजन करें उनसे पहले ये रोटी उस नीम के पेड़ के नीचे जाके रख दें। सुनने में करने में सरल और आसान है उपाय। दोस्तों प्रयोग करके देखें, उपाय करके देखें आप। 16 मंगलवार तक अगर आप ये उपाय कंटिन्यू कर लेते हैं तो कर्ज में से बाहर निकलने के रास्ते आपको नजर आएंगे। दोस्तों नोटों की घड़ी की बारिश कभी होगी नहीं और होने वाली भी नहीं है। कोई भी उपाय में नोटों की घड़ी की बारिश होगी और आप कर्ज चुका देंगे वैसा नहीं होगा। आपके पास रुपये आएंगे, रास्ते खुलेंगे, लक्ष्मी आएगी आपके पास, उन रुपयों से आप कर्ज चुका पाएंगे। कहीं से भी आपको कर्ज चुकाने के रास्ते आपको नज़र आने शुरू हो जाएंगे। एक ख़ास बात, बहनें ये प्रयोग करती है तो 16 मंगलवार उपाय करना है तो बीच में कोई एक मंगलवार ऐसा आ जाएगा कि अशुद्धि है बहन को, तो उपाय बंद रखे वो दिन। दूसरा मंगलवार आए तब, जब शुद्धि में आ जाए आप पवित्र हो जाए तब 2 रोटी बना के नीम के पेड़ के नीचे जाके रख दें। मगर 16 मंगलवार में 16 रोटी आप नीम के पेड़ के नीचे जाके रख देंगे। दोस्तों मेरे दूसरे कोई वीडियोस में बताऊंगा कि नीम का पेड़, शहद, रोटी और अदरक का रस कौन से ग्रह से संबंध है, कौन से ग्रह ठीक होंगे। मेरे दूसरे आने वाले वीडियोस में आपको अवश्य बताऊंगा। सर्वदा सर्वत्र महादेवाय नमः। धन्यवाद। वंदे मातरम।